दोस्तों आप सभी ने हेलीकॉप्टर का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। और जब हम सभी बचपन में छोटे हुआ करते थे और हमारी छत के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या कोई भी हेलीकॉप्टर हमारी छत के ऊपर से निकलता था, तो हम सभी अपना काम दाम छोड़ के उस हेलीकॉप्टर या उस एरोप्लेन को देखने के लिए जरूर बाहर आते थे और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। और इसके बाद हम अपने मोहल्ले के सभी लड़कों को ये जरूर बताते थे कि आज हमारी छत के ऊपर से इतना बड़ा एरोप्लेन या इतना बड़ा हेलीकॉप्टर हमारी छत के ऊपर से निकला था, जो कि देखने में बहुत ही बड़ा था। वैसे हमारा बचपन तो हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते हुए देखकर खुशी में निकल गया, लेकिन जैसे जैसे हम सभी थोड़ा बड़े हुए और थोड़ा समझदार हुए, तो हम सभी के मन में एक सवाल जरूर आने लग गया। हम सभी के मन में यह सवाल आने लग गया कि आखिरकार हेलीकॉप्टर में ऐसी कौन सी खास टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बहुत ही आसानी से हवा में बिना किसी दिक्कत के उड़ता रहता है। और यार सही में ये सोचने वाली बात है कि हेलीकॉप्टर वजन में बहुत ज़्यादा भारी होता है, और इतने ज़्यादा भारी होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर इतनी आसानी से कैसे उड़ जाता है। तो इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हो निंजा वाइटल यूट्यूब चैनल। और आप आज इस वीडियो में जानोगे कि आखिरकार हेलीकॉप्टर में ऐसी कौन सी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बिना किसी दिक्कत के आसमान में इतनी आसानी से उड़ता रहता है। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारी वीडियो पर। दोस्तों अगर आपने कभी हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ते देखा होगा तो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड में घूमता है और उसी की मदद से हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन ये सब देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान दरअसल ये सब है नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, असलियत में वही पंखा हेलीकॉप्टर को उड़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, तो आइए जान लेते हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों होता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर में जो पंखे लगे होते हैं उसका शेप एयर फॉइल जैसा होता है, और इसी वजह से जब वह घूमता है हवा में तो वह हवा के साथ एक तालमेल बैठाने लगता है। और दोस्तों उसी तालमेल के दौरान हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे प्रेशर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बनने लगता है, और पंखे के ऊपरी वाले भाग में प्रेशर नीचे की अपेक्षा थोड़ा कम बनता है, जिसकी वजह से पंखे के ऊपर की हवा तेज़ी से नीचे आने लगती है, और नीचे प्रेशर बढ़ने के बाद वह हेलीकॉप्टर को ज़मीन से ऊपर उठने में मदद करता है। मगर भाई इसमें भी एक शर्त है, इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा तेज होना चाहिए। पर आखिर क्यों? दोस्तों जब हम कभी आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो अगर हवा उस समय तेज चलती है तो पतंग हवा में बहुत ही आसानी से उड़ने लगती है, और जब हवा धीमे चलती है तब आसमान में पतंग उड़ाने को लेकर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कुछ उसी तरीके से हेलीकॉप्टर में भी होता है। एक तो वैसे भी हेलीकॉप्टर का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके बाद जब लोग उसमें बैठ जाते हैं तब उसका वजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के पंखे को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और प्रेशर की स्पीड भी बढ़ जाती है, और इसी वजह से हेलीकॉप्टर हवा में आसानी से उड़ पाता है। लेकिन दोस्तों बस काम यहीं ख़त्म नहीं होता, हेलीकॉप्टर के उड़ने के बाद उसे आएं दाएं सीधे पीछे भी मूव होना पड़ता है और आसमान में अपना बैलेंस भी बनाना पड़ता है। और हेलीकॉप्टर को ऊपर बैलेंस बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है उसका पंखा, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर अपने पंखे की वजह से आसमान में उड़ता है तब उसे सामना करना पड़ता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है कि जब हेलीकॉप्टर हवा में जाता है तब उसका पंखा एंटी क्लॉकवाइज नाचता है, जिसको काटने के लिए हेलीकॉप्टर की बॉडी खुद ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। लेकिन इसे कम करने के लिए हेलीकॉप्टर में लगाया गया था टेल राउटर। अब हम समझते हैं कि आखिरकार हेलीकॉप्टर में टेल राउटर क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर में टेल राउटर का काम यह होता है कि वह हेलीकॉप्टर की बॉडी को गोल गोल घूमने से रोकता है और उसका बैलेंस पूरी तरीके से बना के रखता है। अब बात यह आती है कि वह हवा में आगे कैसे बढ़ता चला जाता है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आपने हर एक हवाई विमान में एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि उसका आगे वाला भाग हमेशा नुकीला सा होता है, जिसे साइंस की भाषा में स्टीम लैंड बॉडी कहा जाता है। और उसका यह नुकीला भाग मतलब कि उसका यह नुकीला आकार आसमान की ओर हवा को काटते हुए बहुत ही आसानी से बढ़ता हुआ आगे की ओर चला जाता है। दोस्तों अब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ चुका है आसमान में, मगर अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए उसमें किस तरीके के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए उसमें एविएशन
कोरोसिन नामक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे QAV-1 के नाम से भी जाना जाता है। इस ईंधन का इस्तेमाल टर्बाइन इंजन से लैस हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के लिए यूज किया जाता है। और हेलीकॉप्टर से जुड़ी मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि इस समय बिहार के गोपालगंज में रहने वाले एक नवयुवक अमरजीत पासवान भी अपने घर में एक बिना इंजन और बिना ईंधन से उड़ने वाला देसी हेलीकॉप्टर बनाने में लगे हुए हैं। और उन्होंने सभी को यह भरोसा भी दिलाया कि वह अपना बनाया हुआ हेलीकॉप्टर लोगों के सामने जरूर उड़ाकर दिखाएंगे। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत जरूर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला के आप सभी को हमेशा इंटरटेन करता रहता हूँ।